गुरु जी ठीक ठीक बहुत मस्त एकदम जा बिजक में हारू मिले। अरे यार ऐसा मत तो इधर से इधर ऐसा हमारे ना यार फ्रेंड इधर पानी बहुत ज्यादा आया तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो फ्रेंड आज हम लोग चलेंगे नदी स्नान करने के लिए, जहाँ पे गोपत और सोन का संगम है, वहाँ पे हम लोग प्रतिवर्ष स्नान करते हैं और हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं सब नदी में ही जाते हैं। तो अभी चलेंगे स्नान करने के लिए, अभी से हैं देखते हैं पलटन हमारी कहाँ है, रेडी हो गए हैं नहीं हुए हैं, तो आइए चलते हैं। फूल को तोड़ लिया अभी, अच्छत ले ला गुरु तो ये अर्ज देने के लिए हम लोग अच्छत भी ले लिए हैं। आज हम लोग नहाएंगे, एक महीना हो गया नहाए बिना। तो देखिए फ्रेंड अब हम लोग जा रहे हैं नदी के लिए, छोटू भी जाएगा और एक अंकल जी आ रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर, तो उनके साथ भी चलेंगे। तो आइए चलते हैं। मेरे पीछे अशोक का पेड़ है तो मैं अशोक के पत्ती को तोड़ूंगा अर्ज देने के लिए। तो फ्रेंड हम लोग बाइक पीछे खड़ा कर दिए हैं उधर, क्योंकि वहाँ पे नदी के किनारे नहीं जा सकती है, इधर पकडंडी रास्ता है, तो अभी यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। हमारे भोलेनाथ का मंदिर है तो यहाँ पे रुके हुए हैं अंकल जी लोग भी रुके हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग इधर से जाएंगे। तो चलिए चलो फ्रेंड हम लोग नदी में आ गए हैं, रेत है पीछे और हम लोग इधर रेत को पार करके तभी भी आगे जाएंगे। हमारे पवन काकू हैं, हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, और जगह बहुत दिनों के बाद हमको मौका मिला है मकर संक्रांति स्नान करने का, तो इस सौभाग्य को हम जाने नहीं देंगे। शुभम भैया राम जी हैं और ये हैं मुन्ना जी, इनका नाम दूसरा कुछ है, एक्चुअली हम लोग मुन्ना मुन्ना कहते हैं। बाप को भी पतंग खेले बाप, बाप का नाम नहीं, बाप तो पतंग नहीं खेला है लेकिन तो बच्चे तो खेल सकते हैं ना है? बाप अन्यारे में रोज बटवा का नाम पावर हाउस। बाप लोग वापस चल रहे हैं इधर, भाई लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी था इधर। कौन है शेर? वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा यार। अरे वाह यार, पानी जा रहा है यार बंधु। ओए तो फ्रेंड देख सकते हैं पानी कितना है। अरे बाप रे, आधा तो लगता है कि नैया पार हो गई हम लोग की। अभी ये एक किनारा मिल गया फ्रेंड, किनारा मिल गया। ओए होए होए, चढ़ो चढ़ो, रेत है बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, तो फ्रेंड बहुत ज्यादा पानी था यहाँ पे, हमारा कच्छा भीग गया। अभी हम लोग आ गए हैं रेत में, अब चलेंगे उधर साइड में नहाएंगे। उधर बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं एकांत में स्नान करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे औरतें लोग हैं तो वहाँ पे हम लोगों को उचित नहीं है फ्रेंड, उचित नहीं है फ्रेंड वहाँ पे जाना। हम लोग इधर चलेंगे एकांत में नहाएंगे। तो हम लोग पीपा पुल पे आए हैं फ्रेंड, देखिए। और अंकल जी आज कूद कूद के नहाएंगे नहीं इधर? अंकल जी कूद के नहा लिए हैं, हम लोग भी चलते हैं उधर आगे। नहाने जा रहे हैं बच्चे लोग और अंकल जी नहा के जा रहे हैं, उधर आगे चलते हैं पीपा पुल पर। गुरु जी ठीक ठीक बहुत मस्त एकदम, जा बिजक में हारू मिले। दोस्त भाई और ये हमारे सेक्रेटरी भाई हैं और ये भी हमारा भाई है, तो हम लोग अभी स्नान नहीं किए हैं तो हम लोग अभी स्नान करेंगे कूद कूद। तो ये है अशोक का पत्ता और अच्छत भी दो थोड़ा सा, थोड़ा सा अच्छत डाल दो हमारे इसमें। तो अच्छत फूल ये लिए हैं और अभी हम डाकेंगे यहाँ से। नहा चुके का तू? चल फिर से नहाएगा, उतार उतार फिर से नहाएगा तू। ले लिए हैं फ्रेंड, तो अभी चलते हैं नहाते हैं, देखते हैं पानी के कूदे। चल इतना ठंडा पानी, इसमें दो नदियों का संगम है गोपत और सोन, तो
इस पार है सोन और उस पार है गोपत, तो हम लोग सोन में स्नान कर रहे हैं। इस सोन और गोपत की नदी में बहुत से जो आसपास में गांव हैं, सभी गांव के लोग यहां पे स्नान करने के लिए आते हैं मकर संक्रांति स्नान। तो फ्रेंड उस पार है हमारा देवरा ग्राम और इस पार है खैड़ार, और इधर बड़रम है और इधर गोड़गवा झरकटा बरवाडी तक है। तो सभी लोग यहां पे स्नान करने के लिए आते हैं। हम लोग मस्ती कर रहे हैं कूद के, कूद कूद कूद। तो फ्रेंड हम नहा लिए हैं, बहुत ठंडा पानी था और ठंडा पानी था, हम लोग नहा लिए हैं, निकलेंगे बाहर। तो फ्रेंड आज मकर संक्रांति था तो हमारे यहाँ खिचड़ी बनी हुई है, क्योंकि आज खिचड़ी खाना आवश्यक है, तो अभी चलते हैं खिचड़ी खाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, घंटे वाले ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि घंटा बजे तो नोटिफिकेशन मिले। तो आज इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।